वेलकम बैक टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूँ सोनिया शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है इंस्टेंट इडली, जो कि बहुत से लोग बना लेते होंगे। तो आज हम उसी इडली को कुछ ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इंस्टेंट इडली का बैटर बनाने के लिए ले रहे हैं हम 2 कप सूजी, लगभग 250 ग्राम, और उसमें हम मिला देंगे स्वादानुसार नमक। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच यूज कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे नमक में थोड़ी गांठें दिख रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब नमक को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही। ध्यान रहे, दही हमें फ्रेश लेनी है, ज्यादा खट्टी नहीं। इसको हल्का सा मिक्स करते ही इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है, ताकि ये ज्यादा पतला ना हो, क्योंकि बैटर की हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि ना ज्यादा गाढ़ी हो ना ही ज्यादा पतली। तो पानी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, जितनी जरूरत हो उतना। मुझे लगभग इसमें 1 गिलास पानी लगा है, लगभग 300 ml। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। और अगर आपके पास 10 से 15 मिनट टूकने का टाइम नहीं है, तो आप इसमें 1 इनो का पाउच डालकर इसको तभी की तभी बनाना भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। आमतौर पर लोग इडली को इसी बैटर से बनाते हैं, लेकिन आज हम इस बैटर में राई और कड़ी पत्ते का तड़का भी लगाएंगे, जो कि इसके टेस्ट को और इनहेंस करेगा। तो अब एक तड़का पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे, और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच राई। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसे ही राई हल्का सा चटकना शुरू हो इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। तो जैसे ही कड़ी पत्ते और राई हल्के से भुन जाए इसको हम डाल देंगे सीधा बैटर में, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
क्योंकि हम इडली बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम डाल देंगे एक पैकेट इनो का, जो कि इडली को एक अच्छी सी स्पॉन्जीनेस देगा। अगर आप इनो ना डालना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ा सा, दो चुटकी ही। तो देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी हमारी ये है, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इडली बनाने के लिए इडली मेकर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इडली को बना सकते हैं, जिसके अटैचमेंट भी बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। मेकर में 1 लीटर तक पानी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये निशान हमारी आखिरी इडली प्लेट का है। हमको लगभग पानी इससे आधा उंगली नीचे ही रखना है, तो जब पानी में बॉईल आए तो वो इडली के बैटर में मिक्स ना हो जाए। पानी डालने के बाद हम इसको गैस पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो चलिए, जब तक पानी में बॉईल आता है तब तक इडली प्लेट्स में इडली का बैटर डाल लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम सांचों को ग्रीस कर लेंगे घी से, या आप चाहें तो तेल से भी कर सकते हैं। सांचे में बैटर डालते समय हमें ध्यान रखना है कि सांचे को हमें बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना, इसमें ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ दें, ताकि जब इडली फूले तो वो सांचे से बाहर ना आए। तो इसी तरीके से सारे सांचे फील कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इडली के बैटर के ऊपर एक इस तरह से काजू भी रख सकते हैं, जो कि दिखने में तो अच्छा लगेगा ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए, पानी बॉईल हो चुका है, हम इडली मेकर में इडली प्लेट सेट कर देते हैं। अब सारी प्लेट सेट करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर रख दें। 15 मिनट से पहले इसको बिल्कुल भी खोलकर ना देखें। आप चाहें तो घड़ी में टाइम सेट कर दें। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, तो हम इडली को चेक कर लेते हैं। हम इडली के अंदर एक टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर वो क्लीन बाहर आ जाती है तो समझिए इडली बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर आई है, तो इसका मतलब है इडली बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इडली की प्लेट को स्टीमर से बाहर निकालने के तुरंत बाद ही इडली को ना निकालें, इसको 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, जिससे कि इडली आसानी से निकल आएगी। मैंने इडली निकालने के लिए स्पून का इस्तेमाल किया है। स्पून से इडली बहुत आसानी से निकल आती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इडली कितनी सुंदर, स्पॉन्जी और फ्लफी बनी है। और अब इसी तरीके से हम सारी इडली को बाहर निकाल लेंगे, और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे सांबर के साथ,
नारियल की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इडली बीच में से तोड़कर दिखाती हूँ कितनी स्पॉन्जी बनी है और एकदम फ्लफी। आप तक वीडियो लाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट हमें बहुत खुशी देता है। और आप अगर हमें ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहेंगे तो हम आपके लिए और नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे घर में ट्राई ज़रूर करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि इडली कैसी बनी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।